दोस्तों मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं डीके चैनल। देखिए दोस्तों, मैं आपको रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको विदित होगा कि देखिए, जब तक कि हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा, जब तक हम अच्छी तरह से अर्थ नहीं समझ पाएंगे शब्दों की क्या मीनिंग है, तब तक हम अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको मैं महत्वपूर्ण शब्द बताता हूँ इनका अर्थ, और आप जो ध्यानपूर्वक सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे तो। देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट है अणु। अणु क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अणु की, है ना। अणु क्या है, ये पदार्थ का सूक्ष्म कण है। पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है उसी को क्या बोलते हैं, हम अणु बोलते हैं भाई। यानी इसकी परिभाषा अणु की इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि वे पदार्थ के सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम अणु बोलते हैं। यानी अणु वे सूक्ष्म तत्व हो गए या सूक्ष्म पदार्थ हो गए जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा आता है भाई हमारा परमाणु। परमाणु क्या है, परमाणु भाई अणु का सूक्ष्म रूप है। यानी अणु का जो सूक्ष्म रूप है उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को परमाणु बोलते हैं। यानी परमाणु की परिभाषा डाल्टन के नियम अनुसार इस प्रकार दे सकते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अब देखिए, परमाणु तीन तीन भागों में विभाजित है भाई। इसके तीन पार्ट है। नंबर एक हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, नंबर दो हो जाएगा भाई हमारा प्रोटॉन, और नंबर तीन हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन। ये भाई अणु के तीन पार्ट है, परमाणु के तीन पार्ट है। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इस पे धनावेश होता है, इस पे ऋणावेश होता है, यानी माइनस वाला आवेश होता है इस पर, और इस पर प्लस वाला आवेश होता है यानी पॉजिटिव आवेश होता है, और ये उदासीन होता है भाई, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो ये तीन पार्ट है इसके परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात आती है भाई तत्व की, तत्व क्या है। तो तत्व क्या है, तत्व एक ही पदार्थ के परमाणुओं से बने संगठन को क्या कहते हैं, हम तत्व कहते हैं। यानी जो एक ही पदार्थ के परमाणु से बने हुए हो उसे क्या बोलते हैं, हम तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होगा या परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं भाई। अब बात आती है भाई अम्ल की, अम्ल क्या है। अम्ल देखो, तत्व में जैसे O2 हो गया हमारा, H2 हो गया, HE हो गया, आदि क्या है हमारे, तत्व है भाई। अब देखिए बात करते हैं अम्ल की, अम्ल क्या है भाई। अम्ल को अगर सिंपल साधारण भाषा में अगर हम बात करें अपनी भाषा में, तो अम्ल को तेजाब बोलते हैं भाई, और विज्ञान की भाषा में इसे अम्ल बोलते हैं। अम्ल से मतलब होता है तेजाब। तो तेजाब क्या है भाई, रासायनिक दृष्टि से अगर परिभाषित करें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जल के साथ क्रिया करके वो H- आयन देते हैं, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, हम अम्ल बोलते हैं भाई। अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, अम्ल से मतलब तेजाब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा नंबर एक तनु अम्ल, और नंबर दो होता है एक हमारा सांद्र अम्ल। देखिए तनु अम्ल क्या है भाई, तनु अम्ल के बारे में समझे, तनु अम्ल उस अम्ल को बोलते हैं जिस अम्ल में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है परंतु तेजाब की मात्रा अर्थात अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे बोलते हैं हम तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे बोलते हैं भाई, सांद्र अम्ल बिल्कुल इसके विपरीत होता है, इसके बिल्कुल उल्टा होता है। सांद्र अम्ल में तेजाब की मात्रा अधिक होती है जबकि जल की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम क्षार की। क्षार क्या है भाई,
क्षार एक प्रकार के पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जल के साथ क्रिया करके एच प्लस आयन देते हैं और अबे यार इन्हें भगा दिए छत्रपाल। क्षार क्या है भाई? वे पदार्थ जो जल के साथ क्रिया करके एच प्लस आयन देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम क्षार बोलते हैं। आपने देखा होगा ये भाई, अगर इन्हें स्पर्श किया जाए तो ये चिकने होते हैं, जैसे साबुन होती है ना उसकी तरह चिकने होते हैं ये। अगर आपने देखा हो कभी कभी ऊसर भूमि होती है तो ऊसर भूमि को क्षारीय भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर देखो पहले प्राचीन जमाने में लोग उनसे कपड़े धुलते थे, वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है एक क्षार वगैरह पाए जाते हैं जो कि मैल निकालने में बहुत ही लाभप्रद होते हैं। अब बात करते हैं भाई लवड़ की। क्षार मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं लवड़। लवड़ क्या है भाई? अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार को मिला देने पर, अम्ल प्लस क्षार को मिला देने पर जो पदार्थ बनता है भाई उसे क्या बोलते हैं? हम लबड़ बोलते हैं। अम्ल और क्षार को मिला देने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? लबड़ बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, हमारा KOH NH4Cl, तो ये क्या हमारे? ये भाई लबड़ है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई मिश्रण की। मिश्रण क्या है भाई? कोई भी पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हों उन्हें क्या बोलेंगे? हम मिश्रण बोलेंगे। या मिश्रण एक से अधिक पदार्थों का समावेश है। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें एक से अधिक पदार्थ मिले हुए हों उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे भाई। मिश्रण क्या? मिश्रण देखो दो प्रकार का होता है भाई। नंबर एक होता है हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और नंबर दो होता है भाई हमारा विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण क्या है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, समांगी समान, यानी ऐसा कोई भी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिले हुए हों लेकिन वो एक दूसरे को दिखाई, यानी वो एक दूसरे से अलग एकदम आसानी से नहीं कर सकते उनमें से, यानी कह सकते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें क्या क्या मिला हुआ। जैसा कि नमक और चीनी को घोलकर मिला लिया जाए तो इस प्रकार का जो मिश्रण होगा क्या होगा? हमारा समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण क्या हो गया भाई? इस प्रकार ये भी एक प्रकार का मिश्रण है, इसमें जो विभिन्न पदार्थ मिले हुए हो सकते हैं लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। जैसा कि जल में अगर बालू डाल दिया जाए तो बालू एकदम दिखाई देगा, यानी जल अलग और बालू अलग, तो इस प्रकार का जो मिश्रण हो गया वो क्या हो गया? हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया। अब बात करते हैं यौगिक की भाई। यौगिक क्या? तो यौगिक भी एक प्रकार का मिश्रण ही है, बस अंतर इतना है कि यौगिक में कोई भी पदार्थ या तत्व मिला हुआ होता है वो निश्चित अनुपात में होता है, जबकि मिश्रण में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। मिश्रण में कोई भी अनुपात हो सकता है जबकि यौगिक में निश्चित अनुपात होगा भी। जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, मान लो कोई पदार्थ टोटल जो मान है उसका 100% है, तो एक पदार्थ मान लो 40% हो गया तो दूसरा 60% ही होगा, या और भी दो पदार्थों से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मान है वो निश्चित होगा, यानी किसी का 30 होगा तो दूसरे का 30, चौथे का 40 ही होगा। अब देखिए बात करते हैं तन्यता की। तो तन्यता क्या है भाई? देखिए तन्यता जो है ये मुख्य रूप से धातुओं का गुण है तन्यता। वैसे ये जो अधातुओं में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम। तन्यता से मतलब ये है भाई, किसी भी पदार्थ को तार के रूप में, अर्थात धातुओं को कह सकते हैं, धातुओं को खींच कर तार के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण है उसे क्या बोलते हैं? हम तन्यता बोलते हैं भाई। तन्यता का गुण प्रत्येक धातु में अलग अलग पाया जाता है। बात करें अगर हम सोने की, तो जो हमारा सोना होता है, जो धातु है ये गोल्ड,
सोना जो होता है तो इसमें तन्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि इसके एक ग्राम सोने से एक किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है खींचकर। तो इसमें तन्यता का गुण अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण सोना अत्यधिक मात्रा में महंगा मिलता है, यही कारण है कि सोना इतना महंगा है। अब बात करते हैं भाई आघात वर्धनीयता, तो ये भी मुख्य रूप से धातु में पाए जाने वाला गुण है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण है उसे क्या बोलेंगे हम, आघात वर्धनीयता बोलेंगे। यानी किसी भी धातु को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने वाला जो गुण है क्या है, वो आघात वर्धनीयता है। ठीक है, जैसे मान लो हम सोने की एक ग्राम पत्री लें तो उसमें 10,000 लगभग 10,000 तय ऊपर नीचे लगा सकते हैं, इतनी बारीक मतलब इसकी तय बन सकती है जो सोना होता है हमारा, तो ये आघात वर्धनीयता का गुण भी इसमें बहुत पाया जाता है। अब आती है बात भाई उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या है भाई, तो उदासीनीकरण से मतलब है भाई एक ग्राम अम्ल और एक ग्राम क्षार की क्रिया कराने पर, एक ग्राम अम्ल और एक ग्राम क्षार की क्रिया कराने पर एक ग्राम अम्ल प्लस एक ग्राम क्षार की अभिक्रिया कराने पर जो एक्टिविटी होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कहने का मतलब वो मतलब जो उनमें क्या कह सकते हैं, जो उनका आवेश है वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी एक ग्राम अम्ल की एक ग्राम क्षार से अभिक्रिया कराने जो कराते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात करते हैं भाई हमारा लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या है भाई, किसी भी पदार्थ से, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा निर जिन शब्दों में लग जाता है उसका मतलब होता है बिना, है ना, तो निर्जलीकरण का मतलब हो गया बिना जल वाला, अर्थात कह सकते हैं कि पदार्थों से जल का अलग करना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, ये बात होती है हमारी रसायन की। अगर बात इस जीव विज्ञान की करें यहाँ, तो शरीर से जल का निष्कासन करना ही या जल का ह्रास होना ही क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता। लेकिन रसायन की दृष्टि से क्या बोलेंगे हम इसे, कि किसी भी पदार्थ से जल का अलग होना या जल का निकालना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता। तो दोस्तों मैं मानता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू।